हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल नर्मदा ब्लॉग्स। हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी सब काम हो गया, स्नान पूजा कपड़ा ऐसे धो लिया, हो गया। तो अभी मैं लंच का प्रिपेयर करती हूँ, तो चलती हूँ। मैं लंच बनाती हूँ, तो मैं आज मटन ही बनाती हूँ। मटन ले आए, तो चलती हूँ। कैसे मैं आज बनाती हूँ, तो चलती हूँ। ये है मटन, मैं उसको ऐसे ही रखती हूँ, करी बनाती हूँ। तो पहले मैं मसाला बनाने के लिए मैं अदरक, प्याज और लहसुन और थोड़ा रेड चिल्ली ऐसे में डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। ये पेस्ट हो गया, तो मैं आज ये मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी का हंडी भी बोल सकते, इसमें मैं आज मटन करी बनाती हूँ। तो पहला ब्लॉग में तो मैं दिखाया था मैं कैसे लाया और कैसे उसको 2-3 दिन उसमें पानी भर के पूरा रख दिया, रख के उसको अच्छी तरह से क्लीन करके आज मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो मैं सोरिस का तेल दे दिया और प्याज, इतना थोड़ा ज़्यादा मटन में रहता है, ऐसे ही मैं कट कर लिया और एक तेज पत्ता मैं डाल दिया। ऐसे ही सिंपली तरीक़े से पूरा मैं करी आज मटन करी बनाती हूँ। मैं मटन को भी मैरिनेट नहीं किया, ऐसे ही मटन है। तो आलू को मैं काट कर लेती हूँ मटन में डालने के लिए, ऐसे बड़ा साइज ऐसे ही रहेगा। मटन में ऐसे बड़ा साइज रहना, नहीं तो मटन तो थोड़ा ज्यादा टाइम पकता है, ये छोटा होगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलता है। इसीलिए ऐसे जब हमारा बनता है मटन, ऐसे बड़ा साइज मैं डालती हूँ। तो प्याज अभी ब्राउन हो गया, तो मैं पेस्ट बनाया था उसको डाल देती हूँ। हो गया, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और मैं पेस्ट तो रेड चिल्ली दिया था और थोड़ा सा ही हल्का से दे दिया, क्योंकि ज़्यादा देती तो मेरी बेटी नहीं खा पाता। तो मैं मटन को डाल दिया,
अच्छे हो गए। मैं थोड़ा सॉल्ट में ऐड कर देती हूँ। अभी इसका मैं काबर डाल दिया है। इधर मेरा राइस भी बन रहा है। वो पूरा गर्म है तो मैं टॉवल में इधर पकड़ लिया। वो ऐसे ही बीच बीच में वो चलाना, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। वो इसको अच्छी तरह से पूरा पकना चाहिए। ऐसे ही दे के मैं बीच बीच में फिर चलाती हूँ, नहीं तो वो लग जाता है। ये हो गया है। मैं थोड़ा गर्म पानी भी इधर कर लिया। इधर गर्म पानी में दे दिया। अभी उसको मैं काबर दे देती हूँ। ये हो गया, अच्छी तरह से पक गया है। तो मैं उसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करती हूँ और थोड़ा धनिया पत्ता। ये पूरा अच्छी तरह से हो गया है। थोड़ा पैम्पर्ड को मैं सेक लेती हूँ। ऐसे ही मैं इधर उधर ऐसे करके ही सेकती हूँ कि एक जगह रह जाएगा तो नहीं, ऐसे जल जाता है, ब्लैक ब्लैक पूरा हो जाता है। तो ये अब हो गया। ये भी अब लॉन्च हो जाएगा। तो ये तो राइस के साथ मटन करी, पापड़, थोड़ा प्याज, एक चिल्ली,
थोड़ा नींबू ऐसे ही अभी कर लेते हैं। मटन हुआ था और दूसरा कुछ उसके साथ नहीं चाहिए, खाली मटन हुआ तो ही हो जाता है। अभी मैं क्लीन कर लिया, ऐसे ही सब रख दिया बर्तन। थोड़ा कपड़ा था तो वो सूख गया तो ले आया उसके, अभी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तो मैं बर्तन भी धो दिया और थोड़ा कपड़ा था उसको भी मैं फोल्ड करके रख दिया। और ये तो डेली का काम है घर का, तो ऐसे ही मेरा काम अभी तक के लिए सब हो गया। तो फ्रेंड आज के लिए रहती हूँ, बाय बाय।